नगर क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा पार्टी प्रत्याशी को भारी मतों से बनाए विजयी। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा विजयी होगा गोरखपुर से प्रवीण निषाद, लेकिन 2019 के कांग्रेस के साथ गठबंधन पर फिलहाल असमंजस की स्थिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ी है भाजपा सरकार, सभी योजनाओं का मिलेगा लाभ। मिलावटखोरों को लेकर प्रशासन हुआ सख्त, खोआ मंडी में की गई छापेमारी, कई दुकानदार हुए फरार। पीठासीन अधिकारियों को लोकसभा के उपचुनाव में ईवीएम और वीवीपैट के प्रयोग की दी गई जानकारी। दो अलग अलग मामलों में राजघाट पुलिस के हत्थे चढ़े दो अभियुक्त, एक था लूट में शामिल, दूसरे के पास से मिला स्मैक। विजय चौराहा स्थित मिठाई की दुकान में लगी आग, लाखों के सामान जलकर हुए खाक। 4 और 5 मार्च को होगा गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, विभागाध्यक्ष ने दी जानकारी। उपनिर्वाचन के मद्देनजर 27 से कार्मिकों को ड्यूटी होगा वितरित। पूर्वोत्तर रेलवे के टिकट बिक्री और आय में बढ़ोतरी के लिए लगातार टिकट जांच अभियान है जारी। रवि पांडे संसदीय क्षेत्र के उपनिर्वाचन में सहायक व्यय प्रेक्षक का नोडल अधिकारी नियुक्त। और खेल छात्रावास ट्रायल के लिए मंडल की लड़कियों ने भी दिखाया दम।